चलो गाइस, तो जिन जिन ने भी SBFC IPO में अप्लाई किया था उनकी इंतजार की घड़ियां यहाँ पर खत्म हुई और आज 10 तारीख की फाइनल अलॉटमेंट डेट आ गई है। तो आज इसका अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो कब आएगा अलॉटमेंट और कितने बजे कहाँ पर देखना, किस वेबसाइट पर देखना, किस तरीके से देखना, करंट GMP क्या चल रहा है, अलॉटमेंट चांसेस कितने, सारे के सारे आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक देखना। तो जिस तरीके से इसका सब्सक्रिप्शन हुआ है, 75 टाइम्स से ज़्यादा ये IPO सब्सक्राइब हुआ, तो चांसेस हैं कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मल्टी बैगर लिस्टिंग गेन आपको मिलेंगे अगर IPO आपको अलॉट हो जाता है तो। लेकिन IPO अलॉट होने के चांसेस कितने हैं यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ, रिटेल कैटेगरी जो इन्होंने रखी थी 35% के आसपास रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर 35% के आसपास की रिटेल कैटेगरी होने के कारण यहाँ पर चांसेस बनते हैं आपको IPO मिलने के, क्योंकि IPO 75 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है तो उससे चांसेस भी कम हो जाते हैं आपको IPO मिलने के। तो ये देखने वाली बात होगी आपको IPO मिलता है कि नहीं मिलता, अगर मिलता है तो कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर करंट GMP पर आप नज़र डाल लीजिए, तो SBFC फाइनेंस का GMP 40 रुपये के आसपास चल रहा है, 57 रुपये कट ऑफ प्राइस और 70% के लिस्टिंग गेन आपको आसानी से मिलते हुए दिख रहे हैं। तो अगर एक लोट के लिए आपने यहाँ पर अप्लाई किया होगा तो 10,400 रुपये के आसपास आपको बेनिफिट दिख रहा है। तो चलिए आइए देख लेते हैं किस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर इसका करंट GMP 40 रुपये के आसपास चल रहा है, 260 शेयर का ये लोट है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करो, 10,400 रुपये का अगर एक लोट के लिए आपने अप्लाई किया तो 10,400 रुपये का लिस्टिंग गेंस आपको आसानी से यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से ठीक ठाक है। तो अगर आपने यहाँ पर अप्लाई किया तो इतना लिस्टिंग गेन अगर आपको मिलता है तो इसको लिस्टिंग गेन लेने के बाद आपको तुरंत यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए भी IPO काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, तो बेसिस अलॉटमेंट देख लीजिए 10 तारीख को आज यहाँ पर मिलने वाला है। कहाँ पर देखना है फ्रेंड्स, ये लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इनकी वेबसाइट दूसरी है। इसको देखने के लिए आपको के फिन टेक्नोलॉजी की IPO स्टेट अलॉटमेंट स्टेटस की वेबसाइट पर आ जाना है, के फिनटेक IPO अलॉटमेंट स्टेटस। जब आप ब्राउजर पर सर्च करेंगे तो वेबसाइट ओपन होगी, 5 लिंक दे रखे, किसी भी लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से अपना स्टेटस देख सकते हैं। तो देख लीजिए, मैं फर्स्ट नंबर की लिंक पर क्लिक करूँगा, एक नया पेज ओपन हो जाता है, देख लीजिए सिलेक्ट IPO। यहाँ पर आपको अपना IPO सिलेक्ट करना, अभी नहीं आया, कितने बजे आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ देख लीजिए एप्लीकेशन नंबर, डीमेट नंबर, पैन नंबर, जिस तरीके से आप चेक करना चाहें। चलिए मैं पैन नंबर से चेक करता हूँ, तो पैन नंबर पर हम क्लिक रखेंगे, यहाँ पर IPO सिलेक्ट कर लेंगे, पैन नंबर डाल देंगे, जो कैप्चर कोड है इसको यहाँ खाली बॉक्स में फिल कर देंगे, सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा नया, उसके अंदर आपको अपना IPO अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा, आपको IPO अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितने लोट के लिए आपने अप्लाई किया था, उसमें से कितने लोट अलॉट हुए हैं और कितने शेयर अलॉट हुए हैं, बड़ी आसानी के साथ आप देख पाएंगे। अब सवाल आता है कितने बजे देखना, शाम को फ्रेंड्स 8 बजे या 9 बजे के आसपास आपके पास में मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास में रिबुक का मैसेज आता है तो समझ लीजिए आपको IPO नहीं मिला है, अगर आपके पास में अमाउंट डेबिट का मैसेज आ जाता है तो समझ लीजिए आपको IPO मिल गया है। तो इस तरीके का कोई भी मैसेज अगर आपके पास में आ जाता है तो आपको स्टेटस पता चल जाएगा, लेकिन काफ़ी सारे केसेस में किसी भी तरीके का कोई भी मैसेजेस नहीं आता, तो लेट नाइट 9 बजे या 10 बजे या फिर लेट नाइट 11 बजे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और बड़ी आसानी के साथ अपना अलॉटमेंट स्टेटस यहाँ से देख पाएंगे। तो दोस्तों, चेक करने के बाद में किस किस को अलॉटमेंट मिला है, किसको नहीं मिला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना फ्रेंड्स।